यहाँ पर ये वर्टिकल मैंने यहाँ लिया तो इसको बड़ा पत्थर लेके मैंने काट के सेटिंग किया ताकि वर्टिकल यहाँ पर आ जाए, वरना वर्टिकल यहाँ होता है। मैंने वर्टिकल को यहाँ लिया। इसका दो कारण है, यहाँ पे सिंक आएगा, इसके अंदर बॉटम टब आता है, तो ये जो कोना है मैंने 13 इंच छोड़ा है, तो यहां से दूसरा 13 इंच है, तो 2 13 इंच में जो गोल बाकेट आता है, जो गोल घूमता है ऐसी टॉली आती है, तो वो इसके अंदर फिट हो सकती है, जगह वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरा, यहां पर जो जगह बची उसमें वर्टिकल जो छोटी छोटी चीज रखते है, चम्मच है, ग्लास है, उसका एक टॉली आ जाएगा। दूसरा, ये वर्टिकल अगर मैं यहां रखता ऐसे तो मुझे यहां 12 इंच छोड़ना पड़ता कम से कम, तो ये मेरे को बास्केट नहीं मिलता। सबसे ज्यादा बास्केट की जरूरत मुझे यहां थी, तो मैंने ये वर्टिकल यहां लगा दिया, तो अब यहां 12 इंच क्या छूट जाएगा, तो भी सर्विस में छोटे छोटे ड्रॉवर्स है, तो ये जगह बहुत बड़ी मिल गई बास्केट के लिए। दूसरा, वर्टिकल जितना हो सके उतना कम लगाना होता है, क्योंकि जितने सारे मार्बल के वर्टिकल लगा दोगे तो बाद में जो फर्नीचर, ज्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं, मार्केट के मार्बल के ज्यादा सैंडविच वर्टिकल लगाते हैं, क्यों, पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो गलत है। अगर मार्बल की आप ज्यादा लगाते हो तो जब फर्नीचर करेगा तो वो बॉक्स बनाएगा, बॉक्स बनाएगा तो उसके माप से वो थोड़ा ज्यादा मार्बल में रखना ही पड़ेगा, माप से हिसाब से एकदम सही नहीं होगा, आधा एक इंच हर वर्टिकल में छूट जाएगा, तो वो उतनी जगह बॉक्स बनाने के बाद एक तो प्लाई में जाएगी, दूसरा वो जगह में जाएगी, तो दोनों साइड से गिनो तो 2.5 इंच 3 इंच एक बॉक्स में आपका वेस्ट जाएगा। अगर इस प्रकार से खुला छोड़ते हैं तो जब वो यहाँ पे प्लाई का ही बनाता है बॉक्स, तो सिर्फ प्लाई ही लगेगी ना, बीच वाली जगह जाएगी, तो मार्बल का भी जगह बचती है और बीच में जो गैप छूटती है वो, तो इतने में आपको पूरा 3 या 4 मैंने बकेट लगाया हो तो आपकी 8 से 9 इंच जगह बच जाएगी, तो हो सके तो वर्टिकल कम लगाओ, वर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, हम तो ये भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मजबूती की वजह से लगाना पड़ता है। लोहे वाला भी आता है एल शेप के बिना वर्टिकल के, क्योंकि वर्टिकल की जरूरत है, हम नहीं लगाएंगे तो वहां तो मिस्त्री भी लगाएगा ही, कॉर्नर में तो लगता ही है, तो यहाँ पे एल शेप वाला भी आता है, बिना वर्टिकल को भी किचन हो जाता है, लेकिन मजबूती पहले होनी चाहिए, अगर किचन टूट गया तो बाद में, तो इसकी वजह से ये वर्टिकल इतने जरूरी है, इतने ही वर्टिकल होने चाहिए, एक सिंक के पास, 2 यहाँ पर और 2 बस, इससे ज्यादा वर्टिकल मत लो। कितना भी बड़ा किचन हो, इसका जुगाड़ होता है, क्या जुगाड़ होता है वीडियो में आगे देखते हैं। ये लंबा हिस्सा है, बीच में से टूट सकता है। दूसरा, मैं मार्बल में बनाता हूँ, क्योंकि मार्बल में क्या होता है, हमें जो साइज चाहिए वो मिल जाती है, कोटा स्टोन बहुत ज्यादा आता है, जगह भी ज्यादा लेता है, और उसकी साइज 24 हो तो 23.5 आएगी, तो मेरे को 25 चाहिए तो वो सीधा 2.5 फुट 3 फुट के माप में जाएगा, महंगा भी पड़ता है और साइज नहीं मिलती है, और गोड़े में भी यही होता है, तो ये मार्बल में होते हुए भी ये टूटता क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ कि मैं क्या जुगाड़ करता हूँ कि इतना पतला मार्बल होने के बाद भी किचन बढ़िया बनता है। टाइल्स किंग MBTV चैनल में आपका स्वागत है, ये आपका अपना चैनल है, मैं भरत मुजिद्रा। आज हम देखेंगे नैनो ग्लास वाइट में किचन कैसे बनाते हैं, नैनो ग्लास वाइट में क्या क्या प्रॉब्लम पहले आती थी और अभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो क्या ग्लास वाइट का किचन बनाया जा सकता है, तो यही सारे बहुत सारे सवालों के साथ फुल डिटेल के साथ कि क्या क्या करना होता है और किचन में ऐसा भी कुछ मैं आज दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं जाना या देखा होगा, तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। नैनो ग्लास वाइट एक आर्टिफिशियल स्टोन है, इसे कंपनी में बनाया जाता है जिस प्रकार से विट्रीफाइड टाइल्स बनती है, ये नेचुरल स्टोन नहीं है, लेकिन ये नेचुरल स्टोन से बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, कई गुना हार्ड आता है, इसको काटना बहुत कठिन है और इसको कटिंग करने का एक प्रोसीजर होता है, अगर आप गलत तरीके से काटोगे तो ये पत्थर टूट जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता है आपका भाई, हो सके तो वीडियो पूरा देखो, स्किप करके काट काट के ना देखो, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो तो देख लो, आपके स्किप करने से मेरा बहुत नुकसान होता है, तो वीडियो पूरा देखे प्लीज। ग्लास वाइटिंग कटिंग के लिए सबसे पहले नीचे ये रस्सी बांधना बहुत जरूरी है ताकि
कोई पत्थर में खराबी ना होती, रस्सी होनी चाहिए। मेरे हर एक किचन में कुछ ना कुछ अलग होता है। इस किचन में आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंक है और वहां पे तीन लाइन गई है और वहां पर मैं वर्टिकल नहीं लगा सकता हूँ, तो मैंने वर्टिकल दूसरे हिस्से में सिंक के लगाया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे सेटिंग करने वाला हूँ, ये भी एक जानने वाली बात है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल, वीडियो में देखते हैं। ये जो वर्टिकल होता है वो हमारे सिंक के खत्म होने के बाद यहाँ पे जो ज्वाइंट आएगा इसके सेंटर पे खड़ा किया है। इसी प्रकार से ये वर्टिकल 18 इंच का है, नजदीक आ जाओ, ये 18 का केबल टॉप है तो 3 इंच पीछे रहेगा तो 15, तो ये हमने 15 का सेंटर में बनाया है। ये 18 का सर्विस किचन आ रहा है यहाँ पे 18 इंच का, तो ये 3 इंच पीछे 15 के सेंटर में वर्टिकल लगेगा। तो जब यहाँ पे वर्टिकल लगेगा तो फर्नीचर सीधा यहाँ फिट होता है, तो इसको सेंटर में लगाना होता है। जो जॉइंट आएगा वो यहाँ सेंटर में आएगा, तो ये इस प्रकार से दो पत्थर अलग रहेंगे यहाँ से सेंटर से, तो ये सेंटर में बनाना होता है। जितने इंच का किचन बनाना है उससे 2 इंच हमें मार्बल कम मंगाना है, 1 इंच जरी में जाएगा। किचन बनने के बाद जितना हमारा ग्रेनाइट या नैनो ग्लास वाइट है उससे 3 इंच पीछे रहेगा मार्बल। किचन 24 इंच का है तो मेरे को दीवार से 21 इंच का ये वर्टिकल लेना है और यहाँ से ये 45 है तो 1.5 इंच पीछे लेना है, इसको 1.5 इंच पीछे रखना होता है। और इसको लेने के लिए स्टार्टिंग में एक काटखूना टाइप लेन होती है और इसको यहाँ से ऐसे काटखूना करना होता है। इसको यहाँ से मार्क कर लेना है, इसको बाद में इसको यहाँ पे टच कर लेना होता है हल्के से प्रकार से। अंदर के साइड में 2 इंच की ओटली आएगी तो मसाला लग जाता है तो घोड़े को कुछ नहीं होता है, लेकिन बाहर के साइड में खुला होता है तो बाहर के साइड में एयर लाइट अच्छे से लगा लेते हैं, अंदर के साइड में सीमेंट का मसाला लगा लेते हैं। जितना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया उतने में कोई टेंशन नहीं है, आपको ओरिम्बा करना है, काटखूना करना है, एक टाइल्स लगा के जैसे मैंने दिखाया ऐसे बीच में ग्रेनाइट लग के 2 सिंगड़े यानी कि 2 बीड़े लगाने हैं, उसके बाद में ये अच्छे से जरी डाल देनी है, नीचे वाटा लगा के कोरा सीमेंट डालना है। इसके बाद में शुरू होती है कारीगरी, तो क्या कारीगरी है वो मैं अब दिखाने वाला हूँ। तो आप जानते हैं ये मार्बल का हमने वर्टिकल खड़ा किया है तो मार्बल थोड़ा सॉफ्ट होता है तो मसाला लिक्विड बनने पर वो फट जाता है बीच में से, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कोरा सीमेंट डालना है बहुत सारा, ताकि जो हम गीला सीमेंट डालेंगे उसको वो तुरंत ही सोख सके और सॉलिड हो जाए और उतना प्रेशर ना बने कि ये पत्थर टूट जाए, वरना तुरंत ये पत्थर टूट जाता है। जैसे ही आप 1-2 तबासरे अंदर इस प्रकार से डाल दोगे तो इसका इतना प्रेशर बनता है कि तुरंत पत्थर को तोड़ देता है दोस्तों, तो गलती से भी। और ये मसाले में एक बात बता दूँ, इसमें ज़्यादा लिक्विड रखना है, रेती डालना है और सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अगर सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसमें अगर मिस्त्री ड्रिल करेगा, कीले मारेगा, पत्थर टूट जाएगा, लेकिन 2 में से एक अलग नहीं होता है। तो गीला सीमेंट डालना है, सीमेंट की मात्रा ज़्यादा रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर में सीमेंट डालते रहना है कोरा। तो हर 6 इंच मसाला बनने के बाद हमें कोरा सीमेंट 2-3 इंच डालना है, तो ये ख्याल रहे 6 इंच से ज़्यादा पत्थर में मसाला नहीं डालना है, 6 इंच पे हमें कोरा सीमेंट डालना है। तो इस प्रकार से इसमें मसाला और कोरा सीमेंट डालता जाता है, लिक्विड डालना है और सीमेंट की मात्रा ज़्यादा रखनी है रेती से।
अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि मेरे को एक जॉइंट कम करना था ऊपर किचन में, क्योंकि नैनो ग्लास वाइट में आप जानते हो कि उसकी फिक्स लंबाई आती है, उससे ज़्यादा वो लंबा नहीं मिलता है। तो मेरे को एक जॉइंट फिक्स करना था, कम करना था। तो मैंने क्या किया, जो सिंक का पोर्शन आता है वहाँ पर सिंक के दोनों साइड में हम वर्टिकल लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल कम कर दिया है क्योंकि सिंक बीच में आ रहा था, तो जो बीच वाला मेरा वर्टिकल है वो लग नहीं सकता था। तो मैंने सिंक के दूसरे हिस्से पर वर्टिकल ले लिया, और वो वर्टिकल लेने के लिए मेरे को ये स्क्वायर बड़ा पत्थर लेना पड़ा। तो इस प्रकार से जितना बड़ा पत्थर है उसे मैंने काट दिया, और उसके बाद में इसी प्रकार से मैंने नैनो वाइट में भी किया है ताकि एक जॉइंट कम हो सके। वीडियो में हम आगे देखेंगे इसकी वजह से एक जॉइंट कम हुआ। अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो आप भी इस तरीके से जॉइंट लेस कर सकते हो। हर किसी को किचन में कम जॉइंट दिखाने का बड़ा शौक होता है, ये बड़ा क्रेज है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल स्टोन आते हैं इनमें हम बहुत मजबूर होते हैं। तो हमारे पास एक ये तरीका होता है कि हम दूसरे पत्थर को इस प्रकार से बड़ा लेके उसको कटिंग करके एक जॉइंट लेस कर सकते हैं। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल इन वीडियो। पत्थर को लेवल कर लेने के बाद उसको तुरंत ही रेती सीमेंट का मसाला भरना ना भूले, वरना मार्बल टूट जाएगा। अब अगर आप मुझे फॉलो करते हो और मेरी तरह से मार्बल में किचन बनाते हो तो ये बात आपको जान लेना बहुत जरूरी होगी कि मार्बल लंबा होता है तो बीच में से बैंड हो जाता है और टूटने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे ही पत्थर रखे इसके नीचे दो पैकिंग लगाने हैं, एक हम पहले अंदर लगा रहे हैं, दूसरा आगे की धार पे लगाने वाले। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्बल में इस प्रकार से मेरी फॉलो करके मेरे तरफ से किचन बनाना चाहते हैं। मार्बल में आप किचन बनाओ, आपको बहुत बनाने में सुकून मिलेगा, क्योंकि जो आपकी साइज चाहिए वो मार्बल में बड़ी आसानी से मिल जाती है, कोटा स्टोन में नहीं मिलती है दोस्तों। तो मार्बल में सिर्फ संभालना क्या होता है, यही बात है कि बीच में बैंड ना हो, ऊपर लेवल चेक कर लेना होता है हमें, और नीचे दो पैकिंग लगा लेने हैं जब तक ये लेवल ना हो जाए। और पैकिंग लगाने के बाद दीवार में मसाला भुनना बिल्कुल ही नहीं भुनना है। तो दो पैकिंग लगाने हैं, अच्छे से लगाने हैं। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। अब आता है सिंक का कटिंग। को सिंक के कटिंग में दोस्तों कभी भी जल्दी नहीं करते हैं। ये मेरा हाथ से कटिंग है तो थोड़ा राइट एंगल नहीं है, थोड़ा बड़ा पत्थर है, तो मैं इसे बाद में कटिंग करके राइट एंगल करने वाला हूँ। तो सिंक को जब भी कटिंग करते हैं दीवार से एक जैसा माप लेना होता है, और जो सिंक का ऊपर का बीच वाला जो नल होता है पानी का उसको एकदम सेंटर करना है, और उसको सेंटर के लिए क्या करना है, इस तरीके से सिंक रख देना है और दीवार से एक टाइल्स लगा के ऊपर हमें ले लेना है राइट एंगल पे, तो हमें सही मेजरमेंट मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और इस प्रकार से मेजरमेंट ले लेने के बाद जो इसका कॉलर होता है उतना हमें छोटा कटिंग करना है। हाँ दोस्तों, उतना छोटा कटिंग करना है। और सिंक के कटिंग में कभी भी जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर आप जल्दी करने जाओगे तो ये पत्थर टूट सकता है, क्योंकि ये मार्बल का है दोस्तों। तो अब हम देखने वाले हैं पिक्चर का सस्पेंस, यानी कि मैं क्या करता हूँ जिसकी वजह से ये मार्बल होने के बावजूद नहीं टूटता है। तो हम यहाँ पर कोई भी एडेसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आगे के साइड में एक एडेसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर एडेसिल का इस्तेमाल कर लेने के बाद हम दूसरे पत्थर चिपकाने वाले हैं। आगे के हिस्से में सिंगल पीस चिपकाना होता है, पीछे के हिस्से में आप कुछ भी चिपका सकते हो। और दो पैकिंग लगाना मत भूलना दोस्तों। ये चिपकाने के बाद हम तुरंत दूसरा पैकिंग भी लगाने वाले हैं। एक पैकिंग पे भरोसा कभी भी नहीं करते हैं। तो लेवलिंग कर लेने के बाद हमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा पत्थर होता है उसी को बिठाना है, क्योंकि दूसरे छोटे पत्थर में लेवलिंग कम रहेगा तो बड़ी आसानी से बैठ जाएगा। अगर आपने सबसे पहले छोटा पत्थर बिठा दिया और बाद में बड़े में लेवलिंग करने जाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो पत्थर सबसे बड़ा आता है उसको सबसे पहले बिठाना है। सिंक का सेंटर कर लेने के बाद इस प्रकार से दीवार में एक मार्किंग कर लो, ताकि पत्थर उठाने के बाद दोबारा वहीं पर ही फिट हो जाए। पर जो ये टाइल्स लगाई है
इसकी वजह से पत्थर थोड़ा बाहर रहेगा, तो पत्थर बाहर रहेगा तो आपका इतना पत्थर किचन बड़ा मिलेगा। अगर यहाँ टच करके लगाते हो दीवार पे, टाइल्स तो आने वाले ही है, तो इतनी टाइल्स लगा के दोनों साइड देखो टाइल्स लगा लिया है, तो एक एक टाइल्स लगा दोगे तो पत्थर थोड़ा ही दबेगा जितनी मसाला जड़ेगा। तो एक टाइल्स लगा के किचन बनाओ तो इसकी चौड़ाई आपको बड़ी मिलेगी, बराबर है। तो ये टाइल्स लगानी जरूरी है। एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है नैनो ग्लास वाइट किचन के लिए, क्योंकि नैनो ग्लास वाइट किचन बहुत सॉलिड आता है। इसको कटिंग करने की स्पेशल ब्लेड आती है, नॉर्मल कटर से ये नहीं कटिंग होता है। तो इसके लिए स्पेशल नैनो ग्लास वाइट की कटिंग ब्लेड आती है, आपको वही खरीदनी है। और जो सिंक होता है उसको बिठाने से पहले हमें अच्छे से उल्टा रख के कटिंग कर लेना है, बाद में ये कटिंग नहीं होता है, बहुत दिक्कत पड़ती है। होता तो है लेकिन फिनिशिंग नहीं आएगा, जो ऊपर के कोने होते हैं वो कोनों में क्रॉस हो जाएगा, यानी ज़्यादा कटिंग आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके ग्लास वाइट का पत्थर अलग होगा। तो आपको फिटिंग करने से पहले ही नैनो ग्लास वाइट है तो सिंक कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, बाद में कटिंग नहीं होता है आसानी से। और अगर बीच में सिंक आता है तो पूरा गलती से भी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ चार कोने ही कटिंग करने हैं। हाँ, जो चार कोने होते हैं उसको कटिंग कर लो, बाद में ऊपर से कटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हो बड़ी खूबसूरती से मैंने सिंक का कटिंग तो किया है, लेकिन बड़ा पत्थर लेके मैंने सिंक में एक जॉइंट दे दिया तो इस किचन को जॉइंट लेस कर दिया, एक जॉइंट तो निकाल दिया, दूसरा सिंक में कटिंग करने की वजह से क्या हुआ कि आगे के हिस्से में 6 इंच, पीछे के हिस्से में 2 इंच ही दिखता है। तो आपको भी जॉइंट लेंस करना है तो इस प्रकार से बड़ा पत्थर लेके जॉइंट निकाल सकते हो ग्लास वाइट में, एक ये तरीका है। अब ये किचन के जो साइड के वर्टिकल लगते हैं जो बाद में लगाने होते हैं, तो इसको लगाने के बारे में भी एक बहुत अहम जानकारी है। हो सकता है ये आप जानते ही हो, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि इसकी जो लुद्दी लगाते हैं अकेले सीमेंट की, उसमें कभी भी पूरा वर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि पूरी लुद्दी लेके लगाओगे तो टीपने पर लुद्दी नीचे उतर जाती है और थोड़ा वर्टिकल पोला रह जाएगा और लुद्दी में अच्छे से नहीं चिपकता है, वो निकल जाएगा। क्योंकि रेती सीमेंट के मसाले में या अकेले पानी में जो चिपकेगा वो ये लुद्दी में नहीं चिपकेगा। दूसरी बात, ये लुद्दी जो हमें लगानी है वो आगे से 3 इंच छोड़ के लगानी है। आप देख सकते हो मैं जो ज़्यादा बीच में से टिक्कर वाला भाग कर रहा हूँ वो 3 इंच छोड़ के कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये लुद्दी इस प्रकार से मैं लगाऊंगा तो 3 इंच के बाद मैं इसको थोड़ा प्रेस करूंगा तो आगे से 3 इंच के बाद होगा तो ये 6-7 इंच तक अपने आप लुद्दी आ गई, और आगे का जो 3 इंच छूट जाएगा वहाँ पे कोरा सीमेंट डाल के मैं आगे से 3 इंच मसाला भर पाऊंगा रेती सीमेंट का। तो सिर्फ 3 इंच लुद्दी आ गई, 3 इंच वैसे भर गया तो कोई भी वर्टिकल 6 इंच अपने आप भर जाएगा। उसके बाद में जो बाकी रहता है उसके लिए दीवार में ऊपर से हमने एक छेद करके रखा है, नीचे भी थोड़ा इस प्रकार से लगाना होता है। उसके बाद में जो बाकी रहता है उसके लिए ऊपर में दीवार में एक छेद होता है, इस छेद में से सीमेंट का पानी भरना होता है। और दूसरी बात, वो सीमेंट का पानी भी आप 1 लीटर से ज़्यादा एक साथ नहीं डाल सकते हो। अभी 1 लीटर डाला तो दूसरा आधे घंटे 1 घंटे के बाद डालना है। अगर आप तुरंत ही सारा पानी भरने जाओगे तो ये पत्थर निकल जाता है। तो ऊपर दीवार में आप देख सकते हो एक छेद रखा होगा मैंने, तो उस छेद में से हम पानी भरते हैं सीमेंट का बाद में इसके अंदर, तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये छोटा वर्टिकल है इसलिए इतनी ही जगह बची, अगर ये 28 इंच का वर्टिकल होता तो इसमें पीछे बहुत जगह बचती जिसमें बहुत सारा सीमेंट का पानी आता, और वो सीमेंट के पानी की वजह से बहुत इसकी पकड़ होती है। तो इस प्रकार से लगाने पर आगे से 3 इंच मसाला आएगा, 3 इंच लुद्दी, 6 इंच वैसे ही फिट हो जाएगा, बाकी जो बचता है उसमें सीमेंट का पानी डालने पर बहुत ही स्टेंट आती है, कभी भी ये वर्टिकल निकलता नहीं।
तो ग्लासराइट में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिल में ये होता है कि इसमें कोई दाग धब्बे पड़ जाएंगे, ये पत्थर कटिंग में टूट जाएगा, लगाने के बाद टूट जाएगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जो ग्लासराइट आता था उसमें कंपनी में प्रॉब्लम थे, तो वो अपने आप गर्मी से टूट जाता था, गर्म चीज़ रखने पर टूट जाता था। लेकिन अभी के जो ग्लासराइट आते हैं उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। दूसरी एक बात, ग्लासराइट टूटता है क्योंकि ये कांच ही है दोस्तों, इसका नाम ही ग्लासराइट है, आर्टिफिशियल स्टोन है, ये कांच की तरह ही है, एक टाइल्स की तरह है। तो कोई भी पत्थर हो, नेचुरल हो या ग्लासराइट हो, ये टूटेगा। लेकिन कब टूटेगा, अगर 2 किलो का तबासरा आपके हाथ से गिरता है तो सीधा किचन के ऊपर गिरेगा, तो ये 2 किलो के तबासरे में, 2 किलो होने के बावजूद उसकी चौड़ाई होने पर ये नहीं टूटेगा। इसके बजाय 2 किलो का हथौड़ा आपके हाथ से गिरता है तो वो थोड़ा छोटा होता है और वो भारी होता है, यानी कि 2 किलो का ठोस वजन अगर गिरता है तो इसमें टूटेगा नहीं, सिर्फ क्रैक लगता है। ये पत्थर टूटना नहीं है, इतना सॉलिड होता है कि इसको काटना भी बहुत मुश्किल है। अगर इसको काटना है तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने दिखाया है कि ग्लासवर्ड को कटिंग भी कैसे करते हैं, क्योंकि कटिंग करने में भी आप अगर कुछ गलती करोगे तो ये पत्थर टूट जाता है। तो इसको रेती पर काटा जाता है, इसको ईंटे पर बिल्कुल ही नहीं काटा जाता है। एक रेती का लेवल बना लो और रेती पर ही इसको कटिंग किया जाता है। और इसको काटने की एक अच्छी कटर आती है, हमें वही कटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपने कोई नॉर्मल कटर का इस्तेमाल कर लिया तो जल्दी कटिंग नहीं होगा, कटिंग तो होगा लेकिन बहुत देर लगेगी। तो ग्लास वाइट की स्पेशल कटर आती है, तो ग्लासराइट की वो पेशियल कटर से कटिंग करोगे तो आसानी से कटिंग हो जाता है। और बीच में अगर मशीन थोड़ा वाइब्रेशन होता है, आपकी बेयरिंग गई है और ऐसा कुछ है, तो ग्लासराइट टूट जाता है। ग्लासराइट सीधा ही कटिंग होना चाहिए, अगर मशीन बीच में से मुड़ गया तो टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसको उठाते समय बड़ी आसानी से उठाना होता है, जब हम इसका बड़ा पाटिया गिराते हैं तो एकदम से नीचे रख देना है। अगर रखते समय हमने आगे से थोड़ा हिस्सा टाइट करके पकड़ लिया तो बीच में से दो गिराते वक्त ही हो जाएंगे। तो दूसरा मेरा एक वीडियो है ग्लास वाइट पर, जिसमें ये डिटेल्स है, तो आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें ग्लास वाइट के बारे में मैंने दूसरी भी इंफॉर्मेशन दी है, कटिंग के बारे में फुल डिटेल्स उसमें है, मैंने कटिंग कैसे करना है वो उसमें दिखाया है। तो अभी आप ग्लास वाइट का किचन बनाना चाहते हो तो कोई भी ऐसा डाउट मत रखो, आप बिल्कुल बना सकते हो। बनाने में इसको थोड़ी सावधानी रखनी है, बनाने के बाद इसको कुछ नहीं होता है, अभी ये नॉर्मल पत्थर की तरह ही है, गर्मी पर भी ये नहीं टूटता है। और इसका एक फायदा ये है कि जो हमारे ग्रेनाइट होते हैं उसमें पानी के साल लग जाते हैं, उसकी वजह से कुछ साल के बाद वो सफ़ेद हो जाते हैं, ग्लास वाइट वाइट ही होता है। दूसरा, इसकी शाइनिंग इतनी बढ़िया होती है। और तीसरा, ये विट्रीफाई ग्लास वाइट मटेरियल में से बना होता है, मार्बल मटेरियल में से, तो ये आर्टिफिशियल स्टोन होने की वजह से इसमें जो पानी के दाग धब्बे लगते हैं वो बहुत साल तक इसमें लगते ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता है। तो ग्लास वाइट नॉर्मल पत्थर से कई गुना अच्छा है, लेकिन इसको लगाने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। लग जाने के बाद ग्लास वाइट इस्तेमाल में बहुत अच्छा है, नॉर्मल ग्रेनाइट से ग्लास वाइट अच्छा है। तो आप आँख बंद करके ग्लास वाइट का किचन बना सकते हो।